तो दोस्तों नमस्कार। आज हम रिव्यू करने वाले हैं आइशर प्रो 1090 काउल का, जिसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने की कोशिश करूंगा इस रिव्यू में। प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मेरे सामने है आइशर प्रो 1090 का काउल, जिसके अंदर व्हील बेस मिलता है हमें 5165 mm का और टर्निंग सर्कुलर डायमीटर मिलता है 17.9 मीटर का। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको जो टायर मिलते हैं वो 16 इंच के 16 प्लाई रेटिंग वाले टायर मिल जाते हैं, जो कि 6++1 होते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी है 4x2XL कॉन्फ़िगरेशन के साथ में आती है। तो दोस्तों इस गाड़ी के अगर मैं ग्राउंड क्लीयरेंस के बारे में आपको बताऊं, तो इसमें 210 mm का आपको ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है और इस गाड़ी का GVW जो है वो है 8850 kg का और लेंथ इस गाड़ी की मिल जाती है हमें 9045 mm की। दोस्तों ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर आइशर का जो इंजन का यूज किया गया है वो है E483 TCI/CIDI इंजन यूज किया गया है, जो कि 3298 cc का इंजन है, जो कि 4-सिलेंडर इंजन कहलाता है। 107 HP का पावर जनरेट करता है 350 Nm के टॉर्क पे। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आइशर का ET35S5 सिंक्रोमैस गियरबॉक्स यूज किया गया है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स होता है। काफ़ी बेहतरीन और फ्यूल एफिशिएंट ये गाड़ी है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको 12 वोल्ट का एक्साइड का बैटरी मिल जाता है और इस गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड जो है वो दोस्तों 85 km/h की मानी गई है। दोस्तों ये गाड़ी आपको एयर ब्रेक में मिलती है और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों आपको बैटरी जो मिलती है 12V 130Ah 75 Ah की बैटरी मिलती है और काफ़ी बेहतरीन लुक वाली इसका चेसिस है, जो कि काफ़ी फ्रेम भी इसका काफ़ी मजबूत है और पीछे की साइड में आपको एक स्टेपनी भी मिलता है। दोस्तों इस गाड़ी की डीजल टैंक की अगर मैं बताना चाहूँ आपको कैपेसिटी, तो 100 लीटर का डीजल टैंक इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। दोस्तों ये गाड़ी के ऊपर वारंटी आपको मिलती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर ऑन ड्राइव लाइन, यानी कि इंजन और गियरबॉक्स के ऊपर, और 40,000 किलोमीटर का इसका सर्विस इंटरवल होता है। तो इस तरह का कुछ ये रिव्यू है दोस्तों इस काउल के ऊपर, जो है क्या नाम है, आप एक बेहतरीन बॉडी का एक भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये आइशर की तरफ से दी जाने वाला काफ़ी पॉपुलर एक व्हीकल है, जो कि 1090 तो आपने देखा होगा दोस्तों, काफ़ी स्कूल बसेस और ट्रक्स वगैरह में भी 1090 काफ़ी चलता है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है ये। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर सर्विस ब्रेक हमें एयर ब्रेक मिलते हैं और इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन तो नहीं मिलता है, लेकिन एंटी रोल बार आपको रियर इसके अंदर मिल जाता है। साथ ही दोस्तों ड्राइवर के कंफर्ट के लिए इसके अंदर जो ड्राइवर सीट है उसके अंदर 4-way डायरेक्शंस में उसको सीट एडजस्टिंग करने का ऑप्शन मिलता है और इस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग मिलता है दोस्तों वो टिल्ट विद टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में आता है, पावर स्टीयरिंग ये होता है। और इस गाड़ी के बारे में अगर दोस्तों हम और बात करें, तो इसमें आपको जो फ्रंट ओवरहैंग मिलता है वो 1005 mm का मिलता है, रियर ओवरहैंग इस गाड़ी के अंदर 2875 mm का मिलता है। तो इस तरह की ये गाड़ी है दोस्तों। और इसका सस्पेंशन की अगर हम बात कर लें, तो इसके अंदर आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है और रियर सस्पेंशन भी इसके अंदर आपको सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग ही मिल जाता है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी खूबसूरत है, जो कि ड्राइवर को सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है ड्राइविंग के दौरान। और एक तरह से देखा जाए तो ये दोस्तों काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल है फ्रॉम आइशर मोटर की तरफ से। इसके अंदर आपको जो गियर शिफ्ट लीवर मिलता है दोस्तों, वो एक केबल टाइप का गियर शिफ्ट लीवर होता है, जो कि आपका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन गियर को ऑपरेट करने में आपके लिए सहायक होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा छोटा सा रिव्यू अगर पसंद आया है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों में या जिनको 1090 के बारे में जानकारी लेनी है आप उनको शेयर अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों इसके अगर माइलेज के बारे में मैं आपको बताऊं, तो इसका माइलेज लगभग 9-10 EGD आपको ये अच्छी गुड हैबिट कंडीशंस के अंदर माइलेज देती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आइशर की तरफ से 1090 व्हीकल जो है काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल। रही बात दोस्तों इसकी कीमत की, तो कीमत के बारे में दोस्तों मैं आपको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्टेज वाइज कीमत जो है वो वेरी कर सकती हैं। फिर भी ये जो चेसिस है ये लगभग 8-8.5 लाख के आसपास मेरे ख्याल से आना चाहिए। और बाकी दोस्तों आपको आपके नियरेस्ट जो भी आइशर के डीलर हैं वहाँ पे जाकर के आपको प्राइसेस के बारे में कंफर्म करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना, कल फिर मिलेंगे किसी नए रिव्यू के साथ में।
आप बस उषा की किरण चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, यहाँ आपको हर नित नए दिन कुछ ना कुछ आपके लिए मैं रिव्यू लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।